नमस्कार, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली पा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि घरेलू नुस्खों की मदद से कैसे क्रिएटिनाइन लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। किडनी की समस्या होने पर शरीर में क्रिएटिनाइन, जो एक तरह का खराब पदार्थ है, बढ़ने लग जाता है। बढ़ते क्रिएटिनाइन की वजह से किडनी के अंदर मौजूद नेफ्रॉन खराब होने लग जाते हैं और किडनी के फंक्शन पर भी बुरा असर पड़ने लग जाता है, जिस वजह से आपकी समस्या गंभीर होती चली जाती है। आप कुछ बातों का ध्यान रखकर और कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाकर बढ़ते क्रिएटिनाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले जानते हैं घरेलू नुस्खों के बारे में, जिसकी मदद से आप क्रिएटिनाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आप अपने खाने में तेल को बदलिए। किडनी के मरीज को सरसों या जैतून का तेल ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक चम्मच जैतून के तेल में 14 ग्राम फैट, 0.3 मिलीग्राम सोडियम, 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 0 ग्राम फाइबर, 0 ग्राम शुगर, 0 ग्राम प्रोटीन होते हैं, जिसकी वजह से किडनी के काम पर दबाव कम पड़ता है और वो अपने काम को धीरे धीरे सही तरह से करने लगती है। सेकेंड है कॉर्न सिल्क। इसमें नेचुरल डायोरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरीज एजेंट होते हैं, जो यूरिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे शरीर में मौजूद एक्स्ट्रा क्रिएटिनाइन को कम किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक कप गर्म पानी में सूखे कॉर्न सिल्क को डालकर 10 से 15 मिनट तक रखना होता है, फिर उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। अच्छे और बेहतर रिजल्ट पाने के लिए आप रोज़ दिन में 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। थर्ड है कैमोमाइल चाय। इसका सेवन आप रोज़ सुबह कर सकते हैं, जिससे आपके बढ़ते क्रिएटिनाइन की समस्या में सुधार आएगा। शायद बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि खून में शुगर लेवल बढ़ने की वजह से किडनी खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कैमोमाइल चाय का रोज़ाना सेवन करने से आपकी किडनी स्वस्थ बनेगी और किडनी की समस्या से भी राहत मिलेगी। ये आम चाय और ग्रीन टी के गुणों के मामले में काफ़ी अलग और असरदार है। क्रिएटिनाइन लेवल को कम करने के साथ साथ शुगर लेवल को भी कंट्रोल करने में ये मदद करती है। फोर्थ है दालचीनी। आप दालचीनी का इस्तेमाल किडनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कर सकते हैं, मगर किडनी पेशेंट को इसका सेवन हमेशा डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि किडनी पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कुछ चीज़ें उनको खाना मना हो सकता है। वैसे दालचीनी में मिनरल्स और वाइटामिन काफ़ी अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं, जिस वजह से आपके खाने का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही ये आयुर्वेद दवाइयों में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिफ्थ है चाइनीज़ रूबर्ब। ये एक तरह की आयुर्वेदिक औषधि है, जो शरीर में यूरिन को बढ़ाने का काम करती है। ये शरीर में मौजूद सभी तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ क्रिएटिनाइन लेवल को कम करती हुए किडनी के काम में मदद करती है, जिससे किडनी पर काम का दबाव कम हो जाता है। सिक्स्थ है डैंडेलियन रूट। ये नेचुरल डायुरेटिक है, जो शरीर में मौजूद सभी टॉक्सिन्स को कम करने में मदद करती है और आपकी क्रिएटिनाइन लेवल को सुधारने में भी मदद करती है। आप इसका सेवन चाय की तरह भी कर सकते हैं और ये किडनी खराब होने की वजह से आने वाली सूजन को ठीक करने में भी मदद करती है। सेवन्थ, अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आप फाइबर का सेवन कर सकते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से किडनी के मरीज़ अपनी डाइट में फाइबर को शामिल कर सकते हैं, जिससे उनको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, साथ ही उनका क्रिएटिनाइन लेवल भी कम हो सकता है। आप फाइबर के लिए फल और सब्जियों में होल ग्रेन्स, सेब जैसे फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट है पुनर्नवा। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है। ये खून की सफाई करने में मदद करती है, जिस वजह से किडनी पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है और क्रिएटिनाइन भी धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। अब जानते हैं कि किन बातों का ख्याल रखने से क्रिएटिनाइन को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। फर्स्ट, जिन लोगों का क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ा हुआ होता है, उनको भारी वजन वाली एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज तो अच्छी होती है, लेकिन भारी वजन वाली एक्सरसाइज से आपका क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ता है, क्योंकि मसल मेटाबॉलिज्म ही क्रिएटिनाइन को बनाता है और मसल पर ज़्यादा दबाव पड़ने की वजह से इसका लेवल बढ़ने लग जाता है। आप भारी वजन वाली एक्सरसाइज की जगह योगा कर सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखने के साथ साथ क्रिएटिनाइन को कम करने में भी मदद करेगा। सेकेंड, किडनी के मरीज को सलाह दी जाती है कि वो प्रोटीन का सेवन कम से कम करें। किडनी की किसी भी बीमारी में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी डाइट में सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन का इस्तेमाल कम से कम करें, या फिर इसका सेवन बंद ही कर दें। ये सब किडनी की समस्या को बढ़ा देते हैं और आपकी समस्या को और भी गंभीर कर सकते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बात सामने आई है कि ज़्यादा प्रोटीन का सेवन करने से शरीर में क्रिएटिनाइन लेवल कुछ समय के लिए बढ़ जाता है, जो एक आम व्यक्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन किडनी की समस्या से जूझ रहे इंसान के लिए खतरा बन सकता है। अगर आप रेड मीट का सेवन करते हैं, तो ये आपके क्रिएटिनाइन लेवल को बढ़ाता है, जो किडनी की समस्या को बढ़ा सकता है। इसलिए आप अपनी डाइट में से प्रोटीन वाले खाने की चीज़ों को अवॉइड करें।
थर्ड किडनी के मरीज को जिम की जगह योगा करना चाहिए जिससे वो नेचुरली स्वस्थ रहें। साथ ही अपनी डाइट में से क्रिएटिन सप्लीमेंट का सेवन बंद कर दें। क्रिएटिन आपके शरीर में एक नेचुरल कंपाउंड होता है जो कि लिवर के ज़रिए आपकी मसल एनर्जी बनाता है। जो क्रिएटिन मसल्स इस्तेमाल नहीं करती वो क्रिएटिनाइन बन जाता है जो कि एक तरह का खराब पदार्थ है। इसलिए आप अपने क्रिएटिनाइन को कम करने के लिए क्रिएटिन सप्लीमेंट्स का सेवन आज ही बंद कर दें। लास्ट किडनी पेशेंट को अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही अपनी डाइट में तरल पदार्थ यानी लिक्विड की मात्रा तय करनी चाहिए कि वो कितनी मात्रा में लिक्विड चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन आपके क्रिएटिनाइन लेवल को बढ़ा सकता है। किडनी की किसी भी समस्या से गुजर रहे पेशेंट को डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे आप नेचुरल तरीकों को अपनाकर अपने क्रिएटिनाइन लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है या फिर हमारे फ़ोन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है जिसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही कर्मा आयुर्वेदा के साथ बने रहें। धन्यवाद। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर से 09871712050 011-4264-4274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।